गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग खेलने वाले हैं वही अपना पुराना पोकेमोन ग्लेज। और जब तक पोकेमोन ग्लेज ना खेले हम, मैंने प्रॉमिस किया है आप लोगों से कि मैं दूसरे गेम्स बीच में ना लाऊंगा। किसकी तरह मैं बता देता हूँ, मेरे राइवल की तरह जो बीच में ही सारे गेम लाया हुआ है और अभी तक उसने एक गेम भी नहीं किया। उसने आज मुझसे कहा है कि वो अब जब तक वो गेम एंड नहीं करता, हाँ वो माइनक्राफ्ट एंड करने की कोशिश करेगा मेरे हिसाब से। एक मिनट, हाँ ओ तो मैंने अपने राइवल का नाम ले लिया। ओ शूट गाइज, कोई बात नहीं, मैंने अपने राइवल का नाम लिख दिया। ओके देन नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे भी मेरा राइवल है, कोई बड़ा दुश्मन नहीं है वो कि मैं उसका नाम तक नहीं रख सकता हूँ। चलो तो मैं अपना काम करता हूँ। तो मुझे चाहिए कौन सा पोकेमोन आप बताएंगे? ओके ओके तो मैं चिमचार को लेना पसंद करूँगा। नो ओके ठीक है ओके गाइस, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, मैं छोटे से जगह पे सेव कर। तो चलो ये पिकाचू, ओ हाँ तो तुम लोग को नहीं पता था वो मैंने तुम लोग के लेजेंडरी वर्जन में दिखा था कि मैंने सब कुछ गेट डाउनलोड कर लिया है। ओके थैंक्स प्रोफेसर, मीन्स थैंक्स मामा एंड पापा। ओके जो भी टाइम है हमको कोई मतलब नहीं है। ओके एक मिनट गाइस, जो पीछे डिश टीवी कर रहा है ना, मैं उसे ऑफ कर दूँ, कोई देख वेख तो रहा है नहीं, बिना बात का डिश टीवी हो रहा है। मैं ही खोला था गाइस रियल में, मैंने ही खोला था। ओके तो सेंट्रेट, दरअसल तुम्हें मैं बता दूँ, जो मेरा राइवल है ना वो रियल में मेरा खुद का भाई है और हम दोनों की आवाज़ लगभग सेम है जहाँ तक कि मम्मी कहती है। तुम लोग को खुद जज करना होगा कि हम लोग की आवाज़ सेम है कि नहीं है। अगर जज करना है ना गाइस तो कमेंट बॉक्स में बताना। अरे यार सर खा गया मेरा, ये ढिस नहीं ढिस क्या हुआ ये ना, कोई बात नहीं, ढिस क्या हुआ या फिस क्या हुआ ये मुझे कोई मतलब नहीं है, ढिस क्यों फिस क्यों से। ओके मतलब ये डिश टीवी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आखिरकार मैंने चिमचर इवॉल्व हो चुका है, मतलब इवॉल्व तो नहीं हुआ भाई, बस लेवल अप हो चुका है। ओके चिमचर अभी तुम क्रिटिकली लो हेल्थ के हो और तुम लड़ने बैठ रहे हो, मैं पता भी कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। थैंक्स गाइस, तो मैं जरा मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं जरा ट्रेनिंग लेके आता हूँ, कम से कम अपने चिमचर को लेवल 9 का तो कर दो, ठीक है। तो चलो ट्रेनिंग लेने चलते हैं। तो गाइस वेरी गुड कि मैंने सब कुछ कर लिया है। ओके तो मैं तो मेरे चार्मेंडर को मैंने इवॉल्व नहीं करवाया, मैंने तो लेवल अप करवा दिया है। ओके तो ठीक है। अरे यार बकवास जो मैसेजेस आते हैं ना उस पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं काम क्यों ना कर लेता हूँ बकवास मैसेजेस के लिए। एरोप्लेन मोड बहुत अच्छा चॉइस होगा उसके लिए, क्योंकि यार तुम लोग में भी ओके अच्छा टीम फ्यूजन, ये तो कौन है? अरे ये तो ब्लीक है जिसके पास डार्क राय है। वाह यार डार्क राय वाला ब्लीक, हम लोग यहीं पे अटके हुए हैं। ओके तो हम लोग आगे बढ़ते हैं शीकंस वीकंस को छोड़ के। ओके देन हम पोकेबॉल ले लिए हैं। ओके तो हमें मिला एक कैटरपी जो हमसे लड़ने वाला है, तो अपना चिमचर किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे वो कैटर भी हो चाहे वो फैटर भी हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। क्रो गंक, मैं सोच रहा था इसे पकड़ लूँगा लेकिन नहीं पकड़ने वाला हूँ मैं यार। क्रो गंक को पकड़ के जो है ना बहुत अजीब लगता है मुझे। इसके बीच में भी मैं लेजेंडरीज पकड़ूँगा, ऐसी बात नहीं है कि अब मैं लेजेंडरीज छोड़ दूँगा पकड़ना, जो मैंने तुम लोगों को दिखाया वही लेजेंडरी पकड़ना छोड़ दूँगा, बाकी कोई लेजेंडरी नहीं पकड़ूँगा मैं। उस लेजेंडरी पे भी एपिसोड बनाऊँगा मैं, इसमें वही लेजेंडरी पकड़ूँगा जो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। खैर लेजेंडरी लोकेशंस पे जो मैंने बनाया है ना गाइस, वो मैंने बड़े सोच समझ के बनाया है। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, ये भी मेरी एक बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी गुंजाइश, क्या कहोगे, बहुत प्यार से तुम लोगों को मैं ये गुंजाइश कर रहा हूँ। प्लीज़ गाइस
विथ माय ओपन हैंड गाइस मैं ये गुंजाइश कर रहा हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने राइवल की तरह, मतलब मैं अपने भाई की तरह, क्या कहो, हाँ राइवल। और तो गाइस आज के एपिसोड में अपना चार्मेंडर मॉनफर्नो में इवॉल्व हुआ, क्या खुशी की बात है। ओके तो हाँ गाइस, मैं तुम लोग को एक इजी सा ट्रेनिंग स्किल्स बताऊंगा जिससे तुम बहुत जल्दी, जिस लाइक मैं 100 लेवल का ट्रेन हो गया था पिछले वाले ग्लेज में, लेकिन इस ग्लेज में 100 लेवल का नहीं, इसी फटे लेवल में हूँ। बता कि मेरा मॉन पर अभी मेरे पास अभी एक ही पोकेमॉन है, कहने का सिंपल सा मतलब था, सॉरी सिंधा क्या कह रहा हूँ मैं। हाँ यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे लेनी चाहिए, वो है इसमें बिकती है, अगर तुम लोग को पसंद है ना तो गाइस प्लीज़ तुम लोग भी ले लेना, एनर्जी पाउडर सुपर पोशन से सस्ता मिलता है गाइस। तो मैं क्या करता हूँ, 2 ले लेता हूँ, कहीं आगे चल के मेरे को कोई ऐसे पोकेमॉन हो गया ना जिसको इसका बहुत ज़्यादा काम हुआ, मतलब आगे चल के तो इसका बहुत ज़्यादा काम होगा जब मैं सेकेंड जिम आऊँगा, तो मैं कोको टाउन आऊँगा उस टाइम और ये लेते जाऊँगा। ओके उम्मीद है मुझे कि मेरा ये पोकेमॉन तुम लोग को पसंद आया होगा, यानी मॉनफर्नो। ऐसे मेरे पास रिपेल तो है नहीं गाइस, जो मैं रिपेल का इस्तेमाल करूँ चट से भाग जाओ यहाँ से इसी तरह घंसे पीटे तरीके से। ओके ब्लिंक आ रोशन, यू केम एट द राइट टाइम। ओके मीन्स ये ग्रंट हम अथी करके कहने का मतलब है ये चोरी कर करके सब कुछ पढ़ रही है, तो अनोन है ठीक है। व्हाट हैपेंस, ओ ल्यूक, ओके ठीक है, आई थैंक यू फॉर योर हेल्प। ये रहा मडकिप चेंज करने के लिए कहा है ना उसने, ठीक है मडकिप चेंज करेंगे, वो हिड हो गई है अंडर वाटर, ये रही मडकिप हटाए कि यार मैं क्या करता हूँ मडकिप पे, मैंने सेव भी नहीं किया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुम लोग को कैच करने के बाद दिखाऊँ। तो भाई मैंने कैच कर लिया है उसे, तो मैं दिखा देता हूँ मडकिप को। ओके तो टैकल ग्रॉ मड स्लैप ठीक ठाक है, ओके गो टू द पोर्टल थैंक्स। तो गाइस मैं मडकिप को ट्रेनिंग दे दूँगा, तो गाइस ठीक है मेरी मडकिप बहुत सही हो गई है, मीन्स ट्रेनिंग ले लेके बहुत अच्छी बन गई है। तो मैं चाहता हूँ ना कि मेरे पास एक मास्टॉम्प हो इसी एपिसोड में, तो मैं उसे ट्रेन करूँगा अभी इसके साथ। तो चलो मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ ना, मैं इसके साथ इतना ट्रेन करूँगा ना जितना मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं किसी के साथ करूँगा, देखना इसे रिमैच कर करके इसे परेशान करूँगा, देखना इसे मैं रिमैच करूँगा। गाइस यही सबसे अच्छी खास बात है ना कि इसका जो यहाँ का जो मेन लीडर है ना वो रिमैच करता है, ठीक मीन्स हर रिमैच नहीं करते वो, ये रिमैच करता है देख लो। ओके देन मेरी जो इच्छा थी मैंने वो पूरी कर ली। ओके तो मुझे लगा था कि मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो अब मैं ज़रा अपने इसे भी ट्रेनिंग दे दूँ मॉनफर्नो को, वरना मॉनफर्नो बोलेगा भाई वो मुझसे लेट आया तुम मुझे ट्रेनिंग दे रहे हो। ओके देन तो हाँ मैं अगली बार आऊँगा तो इससे भी ज़्यादा ट्रेनिंग दे के रखूँगा अपने पोकेमॉन्स को ताकि कोई दिक्कत ना हो जाए। ओके दो बटरफ्ली हो जाएगी ना इसके पास इस बार तो, हाँ क्योंकि इसने हाँ पक्का दो बटरफ्ली नहीं मेटापॉड ही है, मुझे लगा बटरफ्ली बन जाएगी वो। ओह एक लेवल 8 से 9 हो गया। तो गाइस इसी तरह तुम लोग अपने आप को भी लेवल अप कर सकते हो, मैं भी जा रहा हूँ उसे लेवल अप करके आता हूँ। और ख़ासकर इससे का क्या फ़ायदा होता है ना कि आप पैसे भी ज़्यादा कमा लोगे उससे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ उसे लेवल अप करके आता हूँ, तब तक के लिए बी अवेटेड। तो हेलो बड़ी जोर से दीछा ही क्योंकि लेवल अप हो गया, तो चलो इस घर में चलते हैं देखते हैं इस घर में क्या मिलेगा। ओके ठीक है कुछ भी मिल जाए, मूव पोकेमॉन, अच्छा हाँ मेरे पास तो कोई पोकेमॉन है ही नहीं, तो मैं मूव कहाँ से करूँगा, बहुत ऐसे जगह है ना जहाँ पे मैं बहुत सारे पोकेमॉन पकड़ने वाला हूँ। पोकेमॉन आर इजी टू कैच इफ दे आर स्लिप, ओ भाई ओके देन मीन्स वो ईजियर होते हैं कैच करने में जब वो स्लिप होते हैं, वैसे सो रहे हुए रहते हैं। ओके ऑप्टेंट है पोकेमॉन, ओ भाई हमें डिट्टो देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे डिट्टो का कोई काम होगा कभी, लेकिन ठीक है
तीन चीज हुए है इसमें। समवन स्पीसी डिपॉजिट पोकेमॉन में डिटो का डाल देता हूँ यार। पहला ऐसा पोकेमॉन जिसे मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ इस गेम में ना, मुझे तो सारे के पोकेमॉन अच्छे लगते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, सब लड़ रहे हैं। ओ स्पार्की के पास जोल्टियन है, थैंक्स यार, ये मुझे पता था। उसके पास जोल्टियन है और उसके बैच का नाम जोल्ट बैच है, ये सब मुझे पता है, सिंपल सी बात है यार। ओके ठीक है, तो अब चलो, अब पक्का इलेक्ट्रेड आएगा ना गाइस, तो मैं पकड़ लूँगा इलेक्ट्रेड को। इलेक्ट्राइक आ गया है तो ठीक है, पोकेबॉल ट्राई करते हैं। पहला नहीं किए, नहीं हुआ ना, थोड़ा सा स्क्रैच देके देखते हैं। ओके देन वो हो गया है पैरालाइज्ड। ओके तो हमारे पास आ गया है एक इलेक्ट्राइक। मैंने मडकिप को इसलिए मास्टर बॉल में पकड़ा ना गाइस, मैं सफाई दे ही देता हूँ, वरना तुम लोग बोलोगे कि मडकिप को क्यों कैसे और अरे यार मैं उधर क्यों जा रहा हूँ, मुझे उल्टा रास्ता पकड़ना है, सीधा नहीं। मैंने मटकी को क्यों मास्टर बॉल में पकड़ा गाइस, मुझे, मैं नहीं चाहता था कि मैं मटकी को खो किसी भी हालत में से इस पिद्दी से। अरे हाँ गाइस, मैं उसे ट्रेनिंग देके आऊँगा उसी रीमैच वाले ट्रिक से, बेशक बहुत जल्दी आऊँगा, लेकिन उससे पहले अपने पोकेमॉन्स को हील कर लेता हूँ। तो ठीक, तो गाइस बहुत खूब बात हो गई कि मेरा इलेक्ट्राइक लेवल 20 का हो गया है, बहुत काम आएगा इलेक्ट्राइक फ्यूचर में, क्योंकि बहुत, अरे यार तुम इलेक्ट्राइक के सरदार थे क्या जो सारे इलेक्ट्राइक अब आ गए हैं मुझे खाने? ऐसे इलेक्ट्राइक या फिर कोई मेंबर थे इलेक्ट्राइक टीम के, जिस तरह टीम रॉकेट की एक मैम टीम होती है। खैर इलेक्ट से ज़्यादा पसंद मुझे इलेक्ट्राइक है। मैं इलेक्ट पता है किस गेम में रखूँगा, ये इतना हु आर यू इट डेंजरस हियर सी डेट पिकाचू। ये तो वो पिकाचू है गाइस, स्कार्फ वाला। ठीक है रुक रुक बेटा रुक, अभी बताता हूँ मैं। ओके रुक जा मेरे बाप, यहाँ पे गेट है यार, मुझे पता है वो कहाँ जाती है। पिकाचू पिका पिका पिकाचू पिकाचू पिकाचू, मुझे नहीं पकड़ना है इस गधे को। ठीक है तो चलो ये ओके, तो वो उसके कहने का मतलब कि हमें जिम में वो मिलेगा, तो ठीक है अगर जिम में मिलने की बात है ना तो मैं सबसे पहले आऊँगा तेरे जिम। ठीक मुझे पता है कि तेरे ओके दिन मैं आऊँगा बेटा, मैं आऊँगा बहुत जल्दी आऊँगा। ओके देन ओके ओके ओके, मुझे लगता है जहाँ से हूँ मैं वहीं से हूँ मैं, ठीक जैसा हूँ मैं वैसा ही मैं ठीक। ओके तो ये जिम, जिम लीडर जिसके पास एक चिकुरी था, जिम लीडर नहीं है चेले है इसका नाम। तो चल चेले मेरे मास्टरम का चेला देख, ये मुझे लगता है कि तू है एक गधी। चलो दो को मैं इसिंग्स, ठीक है इन्हें तो हराना आसान होगा क्योंकि क्योंकि ये पैरालाइज नहीं होंगे, लेकिन जिम लीडर को तो मुझे ऐसे नहीं हराना होगा, फ्लेम व्हील से ही हराना पड़ेगा इसे भी। ओके तो ठीक है मैं हील कर लेता हूँ अपने पोकेमॉन को, वरना मेरे जो स्टैटिक्स पोकेमॉन है ना, स्टैटिक्स से याद है मैं मार्ट से कुछ खरीद लेता हूँ। पैरालाइज हील बहुत इंपॉर्टेंट है यार इस जिम के लिए, खरीद के दे सकता हूँ भाई बहुत ज़्यादा। पोशन सुपर पोशन भी खरीद लेता हूँ अब तेरा, ठीक है। अरे इतने कम दाम, मतलब इतना कम जो भी बोलो। ओके यहाँ के जिम लीडर्स से लड़के, जिम ट्रेनर से लड़के शायद मुझे लगता है ना मुझे ज़्यादा दाम मिल ही जाएगा। ओके मुझे कम से कम 500 रुपया चाहिएगा इस दूसरे अथी में जाने के लिए, कहने का मतलब। ओ शूट ओके तो मैं जा रहा हूँ अब, मैं वहाँ नहीं जाने वाला जहाँ मैं जाना चाहता था, अब मैं किसी चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करना जानता हूँ। तो ठीक है ओके, उसके पास 3 पोकेमॉन है, अपने पास भी 3 पोकेमॉन, कोशिश करेंगे उसके 3 को अपने 3 से हराए। ठीक है वन फॉर नाउ, ठीक है चलो अब तुमने बहुत अच्छा किया। मरिप के लिए इलेक्ट्राइक जा, इलेक्ट्राइक सबसे पहले तुम उसे थंडर वेव से पैरालाइज करो, अब तुम उस पर टैकल अटैक करो। ठीक है टैकल अटैक ओके टैकल अटैक ओके कोई बात नहीं टैकल अटैक
थोड़ी देर में ये लेकिन ने से ख़त्म कर दिया। अब जोल्टियन यानी उसका मेन पोकेमॉन, तो मेरा भी मेन पोकेमॉन जाएगा उसके लिए। मट शॉर्ट अटैक अभी, मस्टॉम अभी, वापस मट शॉर्ट अटैक। यूहू हमारे ऑर्डर्स काम किए, द जोल्ट बैच, थैंक यू। ऐसे कट में कहाँ मिलेगा? ओके कट हमें जहीं पे भी मिलेगा, हम जा रहे हैं हील करने अपने पोकेमॉन्स को। भाई साहब हम बहुत अच्छे हैं तो हमें दया कर देना हम पे, हम बहुत अच्छे हैं इसका ये मतलब नहीं होता तुम मेरा फ़ायदा उठाओ। ओके यही है जो हमें जिराची के पास ले जाता है गाइस। तो अगर नहीं पता कि जिराची के पास कैसे जाना है तो मेरे यूट्यूब प्ले लिस्ट में, एक मिनट ओके अगर तुम लोगों को नहीं पता कि कैसे जाते हैं जिराची के पास तो मेरा, एक मिनट इसमें भी देख सकते हो तुम लोग। प्रोफेसर बिलो रोशन वेयर आर यू सरेंडरी आई परफेक्ट आई वाज होपिंग यू कैन डिलीवरी समथिंग मेर के। ओके ठीक है सारन ब्रिज से आना है, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग को ये बात बता देता हूँ। मैं क्या बता रहा था तुम लोग को, रुको याद करने दो। हाँ मैं तुम लोग को ये बता रहा था ना कि जो हमारा फेवरेट बंदा यानी कि कहने का मतलब हाउ टू गेट जिराची, तो वो ये वाला वीडियो भी होगा। लेकिन अगर तुमको डिटेल से जाना है, अगर ये पहले मैं दे चुका हूँ, अगर तुम लोग को डिटेल से जाना है तो नेक्स्ट वीडियो देखना, मैं उसमें डिटेल से दिखाऊँगा जिराची को। ठीक और जिराची को कैसे क्यों पकड़ा मैंने, कैसे पकड़ा सब दिखाऊँगा। ओके थैंक्स वेलकमिंग मी इन सेरेनरीज़म। ठीक है थैंक यू फॉर, वी होप टू सी यू अगेन ऑल्सो मैम। भाई जो भी पूरे वर्ल्ड में जो मुझे सबसे अच्छी लगती है ना यार, प्लीज़ इसके लिए मुझे डिसलाइक मत करना इस लड़की के लिए। प्लीज़ सॉरी गाइस, इस लड़की के लिए मुझे डिसलाइक मत करना। ओके मनफर्नो। तो ठीक है वाटर गन से हमला करते हैं इस पर। ओके मास्टॉम ठीक है रश। ओ बाप रे बा गिबल वर्सेस मास्टॉम, मड शॉट अटैक करो मास्टॉम इस पर। ऐसे मेरा मास्टॉम बहुत वीक हो चुका है गाइस। मैं से बैग में से कुछ सुपर पोशन होगा तो मैं पिला दूंगा, क्योंकि अब मैं रिटर्न जा नहीं सकता। रिटर्न जाऊंगा तो वो इंसान वापस बोलेगा वेलकम टू माई दिस अजीब सा जगह। ओके तो मास्टॉम की बारी है ना इसे हराने की, कोई बात नहीं। मास्टॉम दिखा अपना जलवा मास्टॉम प्लीज़। ठीक है सन बैथर। ओके तो वापस इलेक्ट्राइक को भेजना है। स्पार्क ठीक है इलेक्ट्राइक स्पार्क। ओके लेकिन अभी जो हालत बन चुकी है ना इस लड़की के बाद हमारी, तो उसके लिए हमें जाने पड़ेगा। ओके देन वी होप टू सी यू अगेन। ओके देन वी होप टू सी अगेन भाई। ओके देन हमने इसे हरा दिया है तो ब्रेलू मिल रही है यहाँ पे यार, हैं कांट एस्केप। ए मिस्टर ब्रेलू अभी बताता हूँ, तुमने मुझे एस्केप नहीं करने दिया ना, तो अभी हम तुम्हें फ्लेम व्हील से मजा चखाते हैं। रुक खत्म यार, ब्रीलूम कैसे मिल सकती है इतनी जल्दी? एक मिनट, इतनी लेवल्ड पोकेमॉन को मैंने कैसे छोड़ दिया? जोरवा कभी नहीं। ठीक है अब मुझे वापस जाने के लिए कट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं इसे हील करवा लेता हूँ। ओके थैंक्स टू हीलिंग मी ओ ब्लेक। ओके 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 लेकिन विलो यार, मुझे जहाँ तक याद है प्रोफेसर विलो जो थे ना बहुत अच्छे दिखते थे, ऑप्टेंट HM01। ठीक है थैंक यू फॉर योर हेल्प ऑल्सो मिशर अनोन तो नहीं बोलूँगा मैंने। अब मैं ज़रा देखूँ गिबल कभी नहीं पकड़ूँगा मैं तुम्हें, और भी कोई अडीन हो नहीं पकड़ना, जिन्हें मुझे पकड़ना है वो ऊपर ही मिल सकते हैं मुझे लगता है इस ग्रास पास में मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे तो डीनों का ही राज चल रहा है यार, मुझे लार्वीटार कभी नहीं। ऐसे लार्वीटार अच्छा पोकेमॉन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गंदा है, लेकिन मुझे चाहिए नहीं। बिल्डम यस। तो गाइज मेरे पास कोई चॉइस नहीं है मास्टर बॉल के अलावा इस पर यूज करने के लिए, क्योंकि बिल्डम जो है ना, मैं नहीं चाहता कि मैं बिल्डम और जो मेरे पास अभी नेक्स्ट पोकेमॉन आने वाला है मैं उसे खोऊं गलती से भी। क्या तुम बिल्डम के सरदार थे? बिल्डम लॉर्वीटार नहीं, नो वे यार, मुझे जो चाहिए ना
वो डटीनी तो नहीं है। हाँ डटीनी जितनी ही पूरी डटीनी की ही टाइप होगी वॉल्वो के, मतलब होगा चाहे होगी मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। डटीनी प्लीज यार, अब मुझे उससे मिलना है। अभी वो उड़ेगा नहीं, अभी वो नहीं उड़ेगा। ओके वो अभी उड़ने वाला नहीं है, तो मुझे जब वो मिल जाएगा तो मैं बता। तो गाइस देखो हमारा बिल्डम मेटांग लर्न मेटल क्लाउड, ठीक है मेटांग ने मेटल क्लाउड, तो मेरा एक पोकेमोन है मेटांग जो अब हो चुका है मेटांग। ठीक मेरे पास जो पोकेमोन मैं दिखाना चाहता था उसका नाम था बैगॉन, तो मैं गाइज मैं बैगॉन को इवॉल्व करके आया। गाइज हो गया मेरे पोकेमोन की ट्रेनिंग, तो मैं चलो मेरे पोकेमोन की ट्रेनिंग हो गई है, तो बैग में जो HM01 है से लर्न करवा देता हूँ किसे, अब बैगोन को। हाँ बैगोन, क्योंकि यार उसके पास जो मूव है ना वो बहुत गंदे है। ठीक है चलो बैगोन, ठीक है चलो जल्दी जल्दी करो बैगोन, हमें वापस ले चलो अपने वर्ल्ड, मीन्स अपने वर्ल्ड नहीं कह सकता हूँ मैं यार, ये भी जो है ना बड़ी आई महारानी कही कि चल इसे ख़त्म करते हैं। तो गाइस आज के लिए तो मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं, तो ठीक है आज के लिए इतना ही, तो अगले एपिसोड में मिलेंगे। जिराची का सच जानना है तो अगले एपिसोड को जरूर देखना, पक्का ना? तो पक्का गाइस, ओके तो हील करके ही जाएंगे अपन, तो सो गुड बाय।